यहाँ जिम्मेदार खड़े पीपल्स पार्टी के, तो क्या कोई दबाव की वजह से निकल कर आए हो आप बात करने के लिए? नहीं, या जेन्युइनली आपका काम हुआ है वो बस पूछना चाहते? कोई दबाव नहीं है हमारे को, समझ लो जब भी पानी में फंसे हुए होते हैं ना, इन्होंने निकाला। कि ये वही गुलशन हामिद है जिसको आप प्राइवेट कॉलोनी कहते थे? हमारे इलाके में तीन पार्टियाँ हैं और तीन पार्टियाँ जब वोट का टाइम होता है ना तो अपने अपने झंडे लेकर के वो पहुँच जाती है यहाँ पर, लेकिन काम हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कराती है यहाँ पे, बाकी और जिसके पास जाते हैं वो यही बोलता है कि हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं, मेरा चैनल सबके लिए खुला है, मेरा नंबर सबके लिए खुला है, ज़रूर बुलाइए अगर आपका कोई मसला है, और अगर वो हल हो जाता है तब भी बुलाइए। कि जैम्स टीवी ने ये दिखाया कि जब एक काम नहीं हो रहा था तो दिखाया, और जब एक काम किसी सियासी पार्टी ने या किसी फलाई इदारे ने अगर कर लिया तो वो भी जैम्स टीवी ने दिखाया। आज से 5 रोज पहले इसी जगह से, इसी पॉइंट से, ये गुलशन हामिद का इलाका है जो टंडो यूसुफ के सामने कहलाता है, यहाँ से एक रिपोर्ट मैंने ही जनरेट की और मेरे साथ यहाँ के इलाका मकी और यूसी चेयरमैन थे। यूसी चेयरमैन साहब के पास भी बहुत सारे तहफ़ात थे, और जब मैंने यहाँ पर आके हालात देखे तो हकीकत तो ये है कि मेरा दिल भी जो है वो बहुत अफसरदा हुआ कि ये शहर हैदराबाद के हालात हैं। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है इंतज़ामिया शहर हैदराबाद की, मेयर साहब कहाँ हैं, टाउन कहाँ हैं? 4-5 रोज़ की रिपोर्ट के बाद फिर मुझे आज यहाँ दावत दी गई है, क्योंकि देखिए मैं, मेरा चैनल सबके लिए खुला है, मेरा नंबर सबके लिए खुला है, ज़रूर बुलाइए अगर आपका कोई मसला है, और अगर वो हल हो जाता है तब भी बुलाइए। कि जैम्स टीवी ने ये दिखाया कि जब एक काम नहीं हो रहा था तो दिखाया, और जब एक काम किसी सियासी पार्टी ने या किसी फलाई इदारे ने अगर कर लिया तो वो भी जैम्स टीवी ने दिखाया। यहाँ आज मैं आया हूँ, मेरे साथ यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कुछ जिम्मेदार हैं और ये इलाका मकी हैं। उस दिन भी ऐसा ही था, पार्टी कोई और थी और इलाका मकी थे मेरे साथ। बहुत सारा उसमें रोना भी था, घरों में पानी चला गया, दरवाजे टूट गए। आज सूरत हाल दीगर है, आज सूरत हाल दीगर है, अच्छी बात है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कितना इसमें बदलाव आया है, और मेरे कैमरे की निगाह भी आपको दिखाएगी। मैंने बहुत एम्फसाइज करके, बहुत ज़ोर डाल के कहा था ये गत्ता ग्राउंड, इंतज़ामिया इसको देखे, ये जंक्शन जो बना है यहाँ से लेकर वो आगे तक गया ही नहीं, यहीं रुक गया। अगर यहाँ भी रुक गया तो एटलीस्ट यहाँ का पानी तो निकालें, ये पानी खड़ा रहेगा तो बीमारी कितनी फैलेगी। मेरे भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना काम अब तक हुआ है 5 दिन के अंदर? चला इतना हुआ 3-4 दिन के अंदर, देखो सारा पानी खाली करा, इतना पानी था और ख़त्म करा। ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई है, चेयरमैन खड़े हैं सामने, इन्होंने उनकी बड़ी मेहरबानी है, पर कहने का मकसद यार दूसरे के लिए भी ख्याल करें यार, इनसे ज़रा जो भी बात है इनसे कहें भाई से ये काम करवाएंगे जल्द से जल्द बस। अच्छा जाहिर है क्योंकि इस वक्त तो मेरे साथ यहाँ इंतजामिया पीपल्स पार्टी खड़ी, तो आप ऐसा समझिए यहाँ कोई नहीं खड़ा है, जो जेन्युइन बात है आपने सिर्फ वो मुझसे करनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात ये है कि जो काम है वो आपकी नज़रों के सामने है। फर्क है, हमें फ़र्क नज़र आया है। हम खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जनाब अब्दुल जब्बार खान साहब के, काशिफ शोरो साहब के, चेयरमैन बल्लू साहब के, और हमारे जिम्मेदार यहाँ के अब्दुल मतीन साहब और इनकी टीम के, जिन्होंने घेरे घेरे पानी में बखुद जाके मोटर लगा के पानी का निज़ाम, और ये तो एक ऐसा तारीखी काम है या टंडो यूसुफ कब्रिस्तान का कि जो कि कभी तारीख में खाली नहीं हुआ। हमारे इलाके में तीन पार्टियां हैं और तीन पार्टियां जब वोट का टाइम होता है ना तो अपने अपने झंडे लेकर के वो पहुँच जाती है यहाँ पर, लेकिन काम हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कराती है यहाँ पे, बाकी और जिसके पास जाते हैं वो यही बोलता है कि हमारे इख्तियार में नहीं है। मुझे इल्म है, मैं 5 रोज़ पहले यहाँ आया था, और यहाँ से मैं ये जो रास्ता जा रहा है, अभी मेरा कैमरामैन ये रास्ता भी दिखाएगा, ये सामने का ग्राउंड है, मैं यहाँ से पार नहीं कर सकता था, तो मुझे ऐसे घूम के जाना पड़ा यहाँ से। ठीक है, एक तो बात मेरी ये है कि उस वक्त भी मेरे साथ पीटीआई के चेयरमैन मौजूद थे अनवर अब्बास साहब, वो भी कोशिशें कर रहे थे, यहाँ जिम्मेदार खड़े पीपल्स पार्टी के, तो क्या कोई दबाव की वजह से निकल कर आए हो आप बात करने के लिए? नहीं, या जेन्युइनली आपका काम हुआ है वो बस पूछना चाहते? कोई दबाव नहीं है हमारे को, समझ लो जब भी पानी में फंसे हुए होते हैं ना, इन्होंने निकाला, मतीन भाई ने, जब्बार भाई ने, इन्होंने ये आके संभालते हैं हमारे को, हमारे ये मेरे दरवाजे के आगे इतना इतना पानी होता है बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, इधर नहीं है मेरा घर आगे ग्राउंड में, देखो इधर भी पानी भरा हुआ था, इधर भी पानी और सामने भी पानी है, किस तरह ये रही गिर रहा है घर, ये रहा छत भी गिर रही है, ठीक हो गया, अभी हम छत गिर रही है। अच्छा दूसरा है कि अब ये भाई भी कह रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं, ये पानी कितने साल से? 4 साल से तमाशा कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, ले जाते हैं।
तमाशा हो रहा है, चार साल से तो तमाशा हो रहा है लेकिन पानी अब निकला। किधर जाते हो आप सुनवाई के लिए, इनको कहते हो ये खुद आए, क्या है इसमें? ये तो बस आए थे, ये हमारे पास खुद आए थे, खुद आए, देखा, विजिट करा इन्होंने, जब्बार भाई ने भी करा, उनके बेटे ने भी करा, और ये पीपल्स पार्टी ने इन्होंने विजिट करा। मुझे एक बात बताइए, वोट किसको दिया था? वोट हमने पीपल्स पार्टी को भी दिया था, और ना जैसे ये इसको पीटीआई को, हाँ उनको भी दिया था, क्योंकि हमारे घर के 5 वोट थे ना, तो हमने बोला कोई तो हमारी मदद करेगा। किस किस का घर अभी वाले ये जो बारिश आई है और ये जो पानी जमा हुआ है, इससे जो बीमारी फैलेगी या इससे घर किस किस का तबाह हुआ? हमारा हुआ, देखो कोने पे घर, ये कोने वाला घर है। हाँ। इसके अलावा किस किस के घर? हमारे घर की दीवारें देखो ना, वो गिर गई थी, ये घर है हमारा, पूरी दीवार गिर गई थी, ये वाली दीवार है हमारी, ये पूरी गिर गई थी नीचे। शुक्र है कोई बच्चा नहीं था, अगर कोई बच्चा होता दब के मर जाता। ये सामने गत्ता ग्राउंड है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गत्ता ग्राउंड है। इसकी पोजीशन ये थी कि मैं इस रास्ते से नहीं गुजर सकता था, मैं यहाँ आया ही नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ की फुटेज बनाई थी ऊपर से, वहाँ से, या फिर ये सामने फटरी चल रही है, इस तरफ से वो फुटेज ली गई थी। शुक्र है अल्लाह का, ये इन्होंने अभी काम करवा दिया, पूरा मैदान खाली करवा दिया हमारा। अभी 6 दिन पहले जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें तुम भी थे। हाँ, मैं भी था, ठीक है ना, हम यही खड़ी थे, हम यही खड़े थे, और यहाँ खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं थी ना, यहाँ खड़े होने। अल्लाह का शुक्र है, इन भाइयों की बदौलत ये पानी निकला, यहाँ से मशीनें लगवाई है इन्होंने, हिम्मतीन भाई वालों ने करवाया, पीपल्स पार्टी वालों ने, पीपल्स पार्टी, हाँ ठीक, इन्होंने ये काम करवाया, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये बीमारी फैल रही है बच्चों के अंदर, दाने उठने बच्चों के पाँवों के अंदर, किसी घर की दीवार गिर गई, किसी या कुछ हो गया, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, माजरत चाहते हैं आपसे हम लोग। नहीं, 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 भाई, नहीं, नहीं। शायरी के इंतखाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम वकारे सुखन देखिए हर जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जेम्स टीवी पर। काम जैसे इन पार्टियों का काम खिदमत का, ऐसे मेरा काम खिदमत का है बार। मैं तो बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोई दबाव तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई काम लगता का है तो बताओ कि काम हुआ है। नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं टाउन के प्रेसिडेंट, ये सचल सरमस टाउन है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इससे पहले वाली रिपोर्ट के अंदर मेरे साथ पीटीआई से ताल्लुक था। देखिए, मैंने उस रिपोर्ट में भी कहा, मैं इस रिपोर्ट में भी कह रहा हूँ, मौकिफ़ यह नहीं है पार्टी, मौकिफ़ ये है लोगों के लिए काम हो रहा है कि नहीं। उसमें नहीं हो रहा था, हमने वो सब दिखाया, और इसे आप अपनी निगाह से देखिए और इवेल्यूएशन करके आप बताइए कि कितना काम हुआ है। मेरे कैमरे ने सब कुछ, जहाँ पानी था वही सेम वीडियो आज 6 दिन बाद हम दोबारा बना रहे हैं। इनसे मौकिफ़ लेते हैं, क्या मौकिफ़ है इनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल जब्बार खान साहब का, मेयर हैदराबाद, टाउन चेयरमैन बल्लू पठान, फैसल अब्दुल जब्बार खान का, जिन्होंने हमें हर चीज़ की सपोर्ट दी, और उसमें हम आपका आपको भी कहेंगे, जिसने जेम्स टीवी ने हमारे को दिखाया, फिर हमारे टाउन ने देखा, टाउन चेयरमैन ने हमें कॉल की, वो बोला ये सिचुएशन जो भी है मुझे क्लियर करके दें। मैं खुद पंप लेने गया, ठीक है ना, पंप जब मैं लेने गया तो उसके बाद चेयरमैन की टीम आई, जब मैं लोड में गेट पास बनवा चुका था। हाँ, टाउन के हाथ में जो है वो टाउन करता है, लेकिन ये यूसी चेयरमैन के काम है, जो स्ट्रीट लाइट्स लगा दें, गटर के ढक्कन हो गए, ये काम तो कर दें। और रही बात स्वीपर की, स्वीपर 4 स्वीपर दिए गए टाउन ने, दिए उनकी तनख्वाह टाउन चेयरमैन देता है, वो स्वीपर आप किसी से पूछें इधर गटर में अगर लगता हो तो आगे, वो भी हम अपनी मदद अब कल भी प्राइवेट लगा के काम करवाए हमने। हमजा मुझे ये बताइए, अभी ये रेस्क्यू 1122 की गाड़ी यहाँ खड़ी है, जी जी, इस गाड़ी तक एक्सेसिबिलिटी कैसे हुई है आपकी? आपने किसको रुजू किया कि ये गाड़ी यहाँ आई है और फिर पानी सक कर रही है? ये हमें मतीन भाई ने मंगवा के दिए, सही है, मतीन भाई के थ्रू आई, लेकिन उसमें जो है ना हमारे को काफ़ी सपोर्ट की फैसल भाई ने, जब्बार भाई ने, टाउन चेयरमैन ने, और बाकायदा हमें बार बार रात को कॉल भी आती थी, हम 6-6 बजे तक इधर ड्यूटी दिए, लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। ये जब मैं जो है ना लेके आया ना, ये जो क्या नाम है पंप, बड़ा पंप हम लेके आए, अब मैंने चेयरमैन को कॉल की, मैंने बोला आप आ जाएं, हम मिलके काम करते हैं, आप खड़े हो जाएं बस आके हमारे साथ, तो उन्होंने बोला मैं जॉब पर हूँ, मैं नहीं आ सकता। आज 4 दिन गुजर गए, इस बात को उन्होंने पूछा तक नहीं कि आपने क्या किया इलाके के लिए। चेयरमैन है, उनका हक बनता है कि आके पूछें कि काम किया है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं, ये टिकट होल्डर हैं और बल्दियात में इन्होंने भी हिस्सा लिया था, लेकिन कम वोट रहे तो अनवर अब्बास जीते हैं और ये नहीं जीत सकें। लेकिन चेयरमैनी के लिए खड़ा होने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, ताकत से मुराद कि आपको अपने इलाके के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो आप, उसके साथ साथ अपनी ऑडियंस यानी कि जो आपका वोटर है ना,
उसको भी आप जानते हो, उसका बिहेवियर भी आपको पता हो। मतीन साहब ये बताइए कि एक तो ये गाड़ी का, जैसे मैंने अभी पूछा हमजा से कि भाई फिर ये कैसे एक्सेस हो गया, जहाँ तो एक जो है वो 3 kV की मोटर भी नहीं लग रही थी, अब इतना बड़ा आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी की एक्सेस ऐसे हुई कि हमें पहले, सबसे पहले पम्प प्रोवाइड किया गया, एक डुगडुगी पम्प ना, जिसको हमने लगा के मेन रोड, सबसे पहले टंडू यूसुफ वाला मेन रोड उसको क्लियर किया। हमें हिदायत थी कि पहले मेन रोड क्लियर करें। 2.5-3 फुट पानी था, जिसको हमने जुम्मे वाले दिन फ्राइडे को लगा के हमने ये क्लियर किया। उसके बाद छोटा पंप भी दिया गया कि अगर गलियों में भी पानी है तो आपने इसको क्लियर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अपनी टीम ने, यहाँ ये एल ए महिला खड़े हैं, इनसे पूछें कि हम सुबह 6 बजे 8 बजे हम यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ इन्होंने, ऑपरेटर ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, इन्होंने, इनको भी सराहना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट जी कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ और एक अब बार और कह रहा हूँ कि हमें सियासी पार्टी से बात नहीं है, ठीक है, और आपको भी नहीं है, ठीक। आपका मौकिफ क्या इलाके के लिए कि भाई लोगों के मसले हल होने चाहिए? यहाँ पे लोग भी यही समझते हैं ना कि देखिए मतीन साहब आ गए यार, इन्होंने हमारे लिए ये मदद की, हमजा आ गया तो उन्होंने ये मदद। मसला ये आ गया, मसला ये है कि ये कोई हमने पहली दफ़ा काम नहीं किया। आज से 2 साल पहले 2022 में फ्लड आया था, पूरा फ्लड था, यहाँ 6 एरियों का पानी छोड़ दिया गया, ठीक है। बात यह है कि सिर्फ वोट की बात नहीं होती, आज उसके पास फंड आ रहा है 12 लाख रुपए, अपने फंड से वो 1,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उससे मैंने बात की, यहाँ तो ये कह दे कि ये गुलशन हामिद इसकी जुडिडिक्शन में नहीं है, हम जाने, मेयर जाने, टाउन चेयरमैन जाने, हम अपनी मदद आपके तहत जैसे हम ये काम करते रहे और हम वैसे ही उसी तरह हम काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल के अंदर इनको दिखाएंगे कि ये वही गुलशन हामिद है जिसको आप प्राइवेट कॉलोनी कहते थे, इसको हम क्लियर करके जब ये 4 दिन में हम ये काम कर सकते हैं तो साल डेढ़ साल के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। लेकिन 12 लाख रुपए आने के बावजूद ये रोना कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक बार अपने इस कैमरे की निगाह से मैं उन तक एक पैगाम पहुँचा देता हूँ आपके लिए। जी बिल्कुल, आप इलाके का काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात है जी। एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो फंड वाली आप बात कर रहे हैं 12 लाख नहीं है, ये 10 लाख रुपए है और वो भी इस माह से मिलेगा, इससे पहले तक 5 लाख रुपए मिलते रहे हैं। 12 लाख रुपए हाँ, अब आ गया होगा इस महीने से, लेकिन पूरे साल का टेन्योर, क्योंकि मैं सिर्फ ये वो प्रोग्राम नहीं करता, मैं भी अपने ऑफिस में बुला के हर चेयरमैन से बात करता हूँ। एक तो ये बात देखिए, लोग ना हमसे भी सवाल करते हैं कि यार एक साहब कहे जा रहे थे और आपके पास जवाब था, आपने जवाब नहीं दिया, तो जो तसी है ना वो भी जरूरी है कि देखिए ये करेक्शन है। अब 1 साल के अंदर, 1.5 साल हो गया, more than 8 million आया इसके पास, more than 8 million, साल सवा साल के अंदर 8 million के कम अमाउंट होता है। सियासी पार्टी का नुकता नज़र लेने में तो सवाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट या ओरिजिनल बात जो होती है वो उस रिहायशी की होती है जो उस परेशानी से सफ़र कर रहा था, या फिर उसे रिलैक्स हो गया, उसको आसानी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद उमर चौहान है, मैं इसी कॉलोनी में, यहाँ पर सामने वाला मेरा मकान है। जो 4 साल थे हम जिस अजियत में गुजारी है हमने, ये हमारा दिल जानता है, अल्लाह जानता है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, मेरे 2 बच्चे घर छोड़ के भी चले गए, जबकि इतना अच्छा मकान बना हुआ है। ये इसी वजह से कि यार मैं यहाँ पे पानी भरा हुआ, लेकिन इन्होंने ये काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया, मेरे को तो दिल से बहुत खुशी हुई है। वोट किसको तो बोलो ना, वोट तो हमारा PTI को गया था, तो बोलो ना, सवाल करते हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है, उनसे भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काम बड़ा, समझ लो कि ये नायाब चीज़ होती है ना, जैसे कोई बड़ा मसला, वो बड़ा मसला ही हल हो गया, बहुत बड़ा मसला। आज भी मतीन मुगल ने ये काम किया और ऐसा काम किया है कि नामुमकिन था। हम पार्टी के पास भी पैसे लिए कुछ, इन्होंने डीजल वीजल के मद में लिए? नहीं नहीं, कुछ भी पैसे नहीं, कुछ पैसे नहीं लिए, बल्कि चाय तक भी नहीं हम पिलाई हमने खुद भी। अच्छा। सही बात देखी जाए, जैसा कि आपने सबका मौकिफ सुन लिया है, तो मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल जब्बार साहब का, हमारे बॉस ने हमारे साथ पूरी हेल्प की, और काशिफ शोरो साहब ने, और प्लस बल्लू भाई ने, ये जो गाड़ी जो प्रोवाइड की है, एकाम बाला के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हम, ये नहीं है कि हम ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये चीज़ हम परचेज़ कर सकें अपने तौर पे ना, ये डीजल भी अफोर्ड कर सकें। देखें, गवर्नमेंट ने साथ दिया तो ये काम हुआ है, और लिहाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की, कोऑपरेट किया। इलाका मकीन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद था आज गुलशन हामिद अली में, और डिफरेंट नुक्ता नज़र है मेरी। मैं क्यों खुश हूँ? मैं इसलिए खुश हूँ कि काम हुआ। मेरा आने का मकसद लोगों की भलाई का था, कि जो लोगों ने मेरे इस माइक पर जो बातें की थी वो जो है दिल दुखाने वाली थी, जिस तरीके से हालात उस वक्त बने हुए थे, लेकिन आज उसमें काफ़ी बेहतरी है, बल्कि मैं कहूँगा अच्छी खासी बेहतरी है। तो हम इसीलिए हैं
अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में आपका चेयरमैन, आपका टाउन चेयरमैन या आपको मेयर से कोई दिक्कत है या आपको अपने एमपीए एमएनए से कोई दिक्कत है और आपकी सुनवाई नहीं, तो आप ज़रूर, हमारा नंबर स्क्रीन पे चलता है, आप हमें ज़रूर बुलाइए ताकि हम आपका भी जो इशू है उसको लोगों तक पहुँचा सके या इंतज़ामिया तक पहुँचा सके। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही बेहतरी के साथ किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।